कॉन्ग्रेचुलेशन कृष्णा, जैसे कि तुम्हारा थैंक यू नाम सर। है, जैसे तुम्हारा नाम है ऐसे तुम्हारा काम है। एंड स्टूडेंट्स, एक बार कृष्णा का मैं क्रीडेंशियल दिखा देता हूँ, कि आप जो है आश्चर्यचकित होंगे। पास आउट 2018, अच्छा ये बात मैं बता दूं कि 2018 19 में जो लोग पास आउट हुए थे कोरोना के चक्कर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोगों का लाइफ में दिक्कत हुआ। ये ना सोचिए कि बहुत दिन हो गया, क्योंकि उसके बाद से जो है बहुत सारा अपॉर्चुनिटी बंद हो गया था, कंट्री बंद हो गया था, बहुत कुछ बंद हो गया था। फिर जब दोबारा से खुला तब जाके सब कुछ हो रहा है। 2018 पास आउट है, लेकिन डायरेक्टली क्रॉम्पटन ग्रीव्स फ्रॉम द कॉलेज प्लेसमेंट, वहाँ पे जॉब नौकरी मिल गया। अब नौकरी हो रहा है, उसके साथ साथ आपका ऑल इंडिया रैंक 3100 गेट में आया। फिर रिजाइन किया आफ्टर 1 ईयर, फिर रिजाइन करने के बाद गेट दिया, फिर उसमें 3079 रैंक आया है। फिर ग्रोथ स्टार्ट, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो छोटा तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये टाइम जो है आपको कंसोलिडेट करने में देना पड़ा, कि सब्जेक्ट है, इतना सारे सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट है, उसको कंसोलिडेट करना पड़ा। फिर शुरू हो गया आप कार्ब स्काई इज द लिमिट, फिर शुरू हो गया कि 588 रैंक आ गया 2020 में, देन एयर 1040 इन 2021। अब गॉट सिलेक्टेड इन एनपीसीएल, अब ज्वाइन किया सितंबर में, गॉट सिलेक्टेड इसरो में हो गया, बार्क में हो गया, एनपीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया। फिर 2022 में जाके 343 रैंक हैं, फिर 2024 इसमें थ्री नहीं 43 रैंक हैं। फिर आता ऑल दिस अबव रैंक विथ जॉब, ये सब सारे जॉब के साथ हैं। सिलेक्टेड फिर डीआरडीओ, ए आई आर 13 इन इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी, प्रोडक्शन रोबोटिक्स तो मंडल से तो पड़ता है, थैंक यू वेरी मच। अगेन अपीयर्ड इन गेट 2024 एंड ए आर 68 इन मैकेनिकल एंड 3 इन पीआई। अब सवाल है कि आपके पास इतना जॉब आ चुका है, उसके बाद एग्जाम क्यों दे रहे हो आप? कृष्णा तुम बताओ। हाँ एक्चुअली सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सर से 2018 से जुड़ा हूँ। तो मैं उस समय एक कोचिंग में पढ़ता था, वहां पे सर थे, और जब मैं फर्स्ट क्लास अटेंड किया था तो मुझे कॉन्फिडेंस तो आया, लेकिन जब मैं सर की क्लास अटेंड किया, सर उस समय हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ाते थे, तो सर की क्लास अटेंड करने से एक चीज समझ में आई कि कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना है, और प्रॉब्लम्स ही आपको गेट में रैंक लाने में हेल्प करेगा। अब अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीखेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ ट्रिक्स आ जाए, उस ट्रिक्स को हिंदी में सर जुगाड़ कहते हैं, इंग्लिश में कुछ लोग ट्रिक्स कहते हैं, तो जो जुगाड़ शब्द है उससे आप सभी रिलेट कर पाते हैं, और जब रिलेट कर पाते हैं किसी चीज से तो आपका फोकस हल्का सा इंक्रीज होता है, और वही आपको फिर उसमें मदद करता है कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से रैंक आएगा, और उसके लिए जो आप जैसे देख रहे हैं, 2018 जब मैं कॉलेज में था तब मेरी रैंक 3100 थी, जब मैं जॉब में था 2019 में 67, तो मेरी रैंक 3079 आई। सर उस समय मैं अपना एक वाक्य शेयर करना चाहूंगा, मैं काफी निराश हो गया था, मेरे कई फ्रेंड्स भी गिर दिए, यार मुझे लगा शायद हमारे में कुछ मिस्टेक है, नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसा है। तो मैंने क्या किया सर, मैं सोचा कि यार क्या करते हैं, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा यार मैं जा रहा हूँ दिल्ली मेंस मेंस का कोचिंग ज्वाइन करने, ऐसे ही बोल दिया मैंने, जबकि मैं जा नहीं रहा था। मेरे दोस्तों ने प्लान बना लिया और उनके साथ फिर मैंने भी कहा यस चलो मैं भी चलता हूँ। मैंने जॉब छोड़ दी वहां पे, 2019 जुलाई में जॉब छोड़ दी, और मैंने दिल्ली में एक कोचिंग में मैंने ज्वाइन कर लिया। सर भी सर वहां पे सर से मैंने फिर से पढ़ा, और उसको ज्वाइन करने के बाद जैसे सर कह रहे हैं कंसोलिडेट करने में टाइम लगता है, सिलेबस बड़ा है, मेरी रैंक आई 588। लेकिन सर मेरे मन में हमेशा इच्छा थी, मेरे फ्रेंड्स अंडर 100 रैंक लाए, कुछ तो एक की तो रैंक 1 भी है इलेक्ट्रिकल में, तो ऑलवेज आई वॉज थिंकिंग यार मुझे एक बार अंडर 100 रैंक लाना है। आई वॉज सेलेक्टेड इन 588 रैंक से, मेरा एनपीसीएल में हो गया। कोविड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली क्योंकि आईओसीएल ने रिक्रूट ही नहीं किया, टोटल 60 सीट थी इंक्लूडिंग ऑल, तो इस वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई। फिर मेरा इसरो का इंटरव्यू था 2021 में फेब में, तो मुझे लगा जॉब इंपॉर्टेंट है, गेट तो चलो है ही, लेकिन पहले इसरो के इंटरव्यू में फोकस करते हैं। उसमें हुआ ये कि इसरो का इंटरव्यू था 9 फरवरी को, तो मेरा उस वजह से गेट के लिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था प्रीवियस टेस्ट सीरीज। विदाउट टेस्ट सीरीज नथिंग इज पॉसिबल कि आप अच्छी रैंक आ जाएगी, ये तो सोचिए मत। इस वजह से हुआ ये कि मेरी गेट रैंक 2021 में बिगड़ गई। फिर मैं एनपीसीएल में हो गया, 2 साल जॉब किया, और उसी के साथ साथ मेरा इसरो, पीएआरसी, एनपीसीएल तो है ही,
एनएचपीसी, एनटीपीसी और वेरियस अदर एग्जाम्स निकल गए। और फिर मैं जॉब के एनपीसीएल की ट्रेनिंग चल रही है, वो एक्सेसिव ट्रेनिंग होती है सर, एग्जॉस्टिव होती है, कि आपको हर मंडे एग्जाम देना है। उसके साथ साथ मैंने फिर गेट लिखा और मेरी गेट में 345 रैंक आई। मैंने बोला चलो यार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, 588 से 345। मैं फिर एनपीसीएल ट्रेनिंग कंप्लीट, आई केम इन टू द वर्क, आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द असाइनमेंट्स जो मुझे मिल रहे थे, मैं उसमें ध्यान देता था और 9 to 5 की जॉब करता था। देन आई स्कोर्ड दिस ईयर इन 2023 में मेरी 43 रैंक आई। और जब मेरी 43 रैंक आई तो ऑलमोस्ट मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका था। और एक्चुअली मैं आगे सिविल्स का भी प्लान कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज का, तो मेरा मन ऑप्शनल मैकेनिकल लेने का ही है, सबसे डिस्कस भी किया था। तो अब गेट और ईएससी ऐसे दो ही एग्जाम है इंडिया में जो आपके टेक्निकल कंपैटिबिलिटी को अच्छे से चेक करते हैं। गेट तो सर चैलेंज करता है हमें बच्चों को, 3 मिनट दे रहा हूँ एक क्वेश्चन को, 180 मिनट में 65 क्वेश्चन, कभी नहीं होता ऐसा किसी एग्जाम में, ऐसा मैंने नहीं देखा आज तक। टाइम से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, मतलब जनरली ऐसा होता है, लगभग लगभग कहीं में तो टाइम से ज्यादा, कहीं में कम टाइम मिलता है। गेट ऑलमोस्ट चैलेंजेस कि आप इसे सॉल्व करके देखिए। अब अगर हमको रैंक लाना है, सेलेक्ट होना है, तो इसके लिए हमको ध्यान देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी कैसे? जब सर पढ़ा रहे हैं, आपने नोट्स बनाया, सर तो बच्चों के लिए इतना आसान कर देते हैं कि FAA सीरीज चला के फॉर्मूला सीरीज भी बनवा दिया, ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट्स भी बनवा दिया। मतलब क्या है, आपको बस उसको रट्टा मारना है जो फॉर्मूले हैं, अगर कॉन्सेप्ट है तो उसको अप्लाई करके सीखना है। तो मतलब सर आपके लिए मैक्सिमम चीजें कर दे रहे हैं। जैसे जैसे मैं भी सर के साथ पढ़ाऊं, प्रोडक्शन सर पढ़ाते थे तो मैं बता रहा हूं कि प्रोडक्शन ऐसे सब्जेक्ट्स को इतने कम, मतलब किताब की मोटाई जब दिखती है तो बच्चे डर जाते हैं ना सर, इतने कम थिकनेस में सब कंपाइल करके दे देना बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो आप कल्पक जैन उठाएंगे, पीएन राव उठाएंगे। मैं यकीन मानिए, मैं प्रोडक्शन पढ़ा और जितना भी मेंस का, प्री का या फिर गेट का, इनफ है, मोर देन इनफ है। और आपको जब गेट में देने जाएंगे तो आपको, जैसे सर कहते भी हैं कि जुगाड़ ही चलेगा, लिटरली आप उसे कह लें ट्रिक्स चलेगा, इन कुछ भी कह लें वही चलता है। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो आपको जो कॉन्फिडेंस देता है वो वही करता है। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कैसे करें। सर बच्चे गलती सबसे पहले ये करते हैं कि कठिन प्रॉब्लम बनता है, नहीं बनता ना, इजी इजी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेते हैं वर्कबुक से या कहीं से आप सीट देंगे, कठिन प्रॉब्लम में वो फंसते हैं। और जब कठिन प्रॉब्लम फंसते हैं तो वो सोचते हैं हमसे बन नहीं रहा, हम नोट्स पढ़ते हैं, वो नोट्स पढ़ने लग जाते हैं। और जब नोट्स पढ़ते हैं, आह सब समझ में आ गया, खुश हो गए, क्योंकि सर नोट्स तो आप इतना अच्छे से समझाते ही है ना कि सब समझ में आ ही जाएगा, तो वो नोट्स पढ़ के मोटिवेशन लाते हैं। नहीं, आपको मोटिवेशन लाना है कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। आपने कल ही तो सर से पढ़ा है व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उसमें क्वेश्चंस कठिन से कठिन बन सकते हैं। आप सर अगर देंगे आपको तो समझ में आ जाएगा, तो आपने कल ही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप मोटिवेशन नोट्स तो पढ़ के ला रहे हो। अब सर बच्चा जब नोट्स पढ़ता है कहता है हाँ अच्छा लग रहा है मुझे, सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर से जब कठिन प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज में आता है फिर से फंस जाता है और वो वहां से डिमोटिवेट होता है। जैसा सर ने एक बार कहा था, मुझे याद है विवि 2018 में, कि सर से बोलते थे कोई कि यार मेरी टेस्ट सीरीज में रैंक कितनी है तो गेट में कितनी आ जाएगी, सर कहते थे टेस्ट सीरीज के मार्क्स गेट में ऐड नहीं होते। वो लाइन मुझे आज भी याद है, आज भी याद है, सर को याद होगी ही पक्का, वो मुझे आज भी याद है कि आप टेस्ट सीरीज में 90 मार्क्स ले आइए, टेस्ट सीरीज में आप 100 ले आइए। टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज आपको ये बताता है कि आप कहाँ पे खड़े हो और कितना आपको करना है। टेस्ट सीरीज के लिए सर मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगा। पहला, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कैसे करें? देखिए, यदि आपको एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है तो गेट में एक पैलेट होता है जहां से क्वेश्चन को आप एनालाइज कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, आप अलग अलग स्किल्स से आप उसको मतलब प्रैक्टिस करके देख लीजिए टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपको सही लगे। अगर मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बच्चे क्या कहते हैं सर हमको ना इजी इजी क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन गेट में आते हैं ना, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है गेट में, क्वेश्चन भले नहीं होते लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। बच्चे कहते हैं हमको 10 क्वेश्चन लगातार दे दीजिए बनते हुए, हम कर देंगे, लेकिन अगर जम्बल्ड कर देंगे, कठिन क्वेश्चन आएंगे बीच में ये, तो सर बच्चे घबरा जाते हैं, टाइम निकलता रहता है और बच्चे सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, बोलते हैं हमारी मैकई एक्यूरेसी तो इससे खत्म होती है। तो मैंने बोला आप ऐसा कर दीजिए, उन क्वेश्चंस को छांट लीजिए, आप ऐसा बनाइए कि इन 10 क्वेश्चंस में जो मुझसे पहले बन रहे हैं या फिर पूरे पेपर में आप लिख लीजिए, यदि आप एक बार इसे ट्राई करके देखिए। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो इससे अच्छी रैंक लाया है, उसके अंडर 100 रैंक इस स्किल से। मैंने ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, मेरी स्ट्रेटजी अलग थी। तो मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको एक बार टेस्ट सीरीज में जरूर अपनाइए। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कैसे करना है, ये एक पहला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन, टेस्ट सीरीज आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करके खुश होने के लिए नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको कठिन क्वेश्चंस का सॉल्व करने का टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए।
सर आपको क्लास में जब कराते हैं, तो जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं सर से, तो आपने देखा होगा सर कि बच्चे कई अच्छे वहां पे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास छूटती है तो कठिन सवाल कई बच्चे फंस जाते हैं। उसका रीजन ये है सर कि आपके एनवायरमेंट में जब आप समझाते हैं तो वो तुरंत तुरंत चीज घुस जाती है, लेकिन जब उसको अप्लाई करना है तो क्लास में उतनी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है गिवन टाइम में, जितना आप उससे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। लेकिन आपको कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी टेस्ट सीरीज डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण करता है। जैसे सर क्या होता है कि मान लीजिए 100 मार्क्स का टेस्ट है, बच्चे ने 40 मार्क्स के इजी इजी जो क्वेश्चन कर लिए टेस्ट की, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आया कि जीटा की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होती है, इस ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो की, कैनेडीज थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट आ गया एमएसक्यू में, बस सॉल्व करके खुश हो रहे हैं। नहीं, टेस्ट सीरीज में आपको टफ क्वेश्चन के ज्यादा टाइम दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आ गया कि बताओ डी सिग्मा वाई, मतलब उसमें एक ऐसा रिलेशन दिया और ई की वैल्यू निकालने को बोल दिया, और वो आपने कभी सॉल्व ही नहीं किया है, आप देख ही पहली बार रहे हो। इतने अच्छे सवाल बनते हैं सॉम में, डिफ्लेक्शन में, कि आप पहली बार देख ही रहे हो कि यार ये क्या दे दिया। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस गेट में आएंगे तो आप कैसे डील कर पाएंगे? आप तभी डील कर पाएंगे जब इनका टेम्परामेंट आपके मन में डेवलप होगा। टेम्परामेंट है क्या, इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, दिमाग लगाना, और वो टेस्ट सीरीज आपको सिखाएगा। और जिस दिन आप ये सीख गए, उस दिन आप लिटरली यकीन मानिए कि आपको गेट में रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि गेट में सर होता यही है, बच्चे कठिन क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, जब उनके बाद में इजी क्वेश्चन आता है वो भी गलत कर देते हैं। डेली सॉल्व करते आते हैं कि सिग्मा टी वन माइनस टी वन फोर माइनस टी टू फोर डिवाइडेड बाई 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1 का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन पहले 50 क्वेश्चन देखे हैं कठिन कठिन नहीं बन पाया है, तो उसको जल्दी जल्दी करने में क्योंकि टाइम कम बचता है उनको लगता है गलत कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आपका टेम्परामेंट हो जाएगा गेट लेवल का, तो आपको लगेगा नहीं यार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मुझसे नहीं बन रहा तो सामने वाले से भी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने इतना पढ़ा, आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तीसरा पॉइंट है टेस्ट सीरीज की एनालिसिस, इससे महत्वपूर्ण गेट के प्रिपरेशन में कुछ नहीं है लिटरली, क्योंकि सर आप शॉर्ट नोट सब पढ़ते हैं, सारे बच्चे नोट्स पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट सब पढ़ते हैं, सब बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियस हैं करियर को लेकर, वो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वही सीरियस है, बाकी तो सीरियस नहीं, शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं, शॉर्ट नोट सब पढ़ते हैं, रिविजन करके सब देते हैं। एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती क्या करते हैं, एनालिसिस, हाँ ये बन गया देख लिया, अच्छा ये बन गया ये नहीं बना, अच्छा ये गलती किया देख लिया, 5 मिनट में 15 मिनट में एनालिसिस नहीं हो सकती 3 घंटे के टेस्ट की। यदि आपसे 3 घंटे के टेस्ट में 50 मार्क्स आएंगे, यकीन मानिए आपको एनालिसिस में 1.5 से 2 घंटा लगेगा। बोले कैसे लगे सर, बच्चे गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए सॉल्व किया और गलती की, और जब गलती की तो वो देखते हैं यार यहाँ पे मैंने गलती की, अच्छा ये गलती की है, अच्छा दोबारा नहीं करूंगा, और जब दोबारा क्वेश्चन आता है मेरे साथ हुआ है सेम गलती रिपीट करते हैं। सर आपको करना क्या है, आपको ना वापस सॉल्व करना है, रिसॉल्व करना है, कम से कम उस स्टेप को सॉल्व करिए जहां पे गलती हो रही है, और जब आप रिसॉल्व करेंगे देखिए यार फिर वही गलती कर रहा हूं मैं, अच्छा ये मिस्टेक थी, तो बच्चे को समझ में आता है। इसलिए बने हुए क्वेश्चंस में जहां गलती हुई है उसको ऐसे सॉल्व जरूर करिए। कई बार होता क्या है, हम पेपर में जुगाड़ लगाते हैं क्योंकि मार्क्स लाने की इच्छा है ना सर, तो जुगाड़ लगा के ये होता है कि एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन सही हो गए, नहीं तो आपने उसको जुगाड़ से तो कर दिया, लेकिन आपको नॉलेज बढ़ाना है ना, टेस्ट सीरीज आपको एक तरह से नॉलेज बढ़ाने का भी टूल है। जो सिलेबस क्लास में नहीं खत्म कंप्लीट कवर हो पा रहा है वो सिलेबस टेस्ट सीरीज से कवर हो रहा है, आप टेस्ट सीरीज को मार्क्स बढ़ाने का क्यों सोच रहे हैं, आप ये सोचिए मैं इससे रिवीजन कर रहा हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और बोलूंगा सर, टेस्ट सीरीज से रिविजन लोगों को ये नया लगेगा, या आपके लिए तो सर आपको पता ही है, बट लोग सोचेंगे ये क्या है। टेस्ट सीरीज से रिविजन ये होता है, आपने पढ़ लिया कई बार शॉर्ट नोट्स, अब आपको लग रहा है यार क्या करूं, कई बार बच्चे होते हैं कि अब मेरा मन नहीं लग रहा टेक्निकल पढ़ने में, आप ऐसा करो टेस्ट उठाओ मार्क्स कमाएंगे अपने आप मन लगेगा, तो आप क्या करिए, आपने कई बार पढ़ा है ना टीपीएल की ओपन सी आई, पीएल की ओपन सी आई, ये होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, अब आप क्या करिए डायरेक्ट टेस्ट सीरीज उठाइए सॉम की और सॉल्व करिए, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा ना वो आपको सॉल्व करवाएगा। और इससे मान लीजिए आपको कोई बेसिक सी चीज नहीं बन रही, जो एकदम बेसिक है, मान लीजिए टॉम में जीटा की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होती है, मान लीजिए ये नहीं बन रहा, मान लीजिए टेन फाइव की वैल्यू क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बन रही, आप ये सोचिए रिविजन है, अच्छा नहीं बन रही है सोचूंगा बाद में करूंगा, और नहीं बने सोल्यूशन देख के अच्छा ये था, तो टेस्ट सीरीज से हो क्या रहा है, रिविजन भी हो रहा है। मतलब जब आपका नोट्स पढ़ने का मन ना करे, जब आपका शॉर्ट नोट्स पढ़ने का भी मन ना करे, आप टेस्ट उठाइए आपका मन अपने आप पढ़ने की ओर जाएगा। मैं इसका प्रूफ हूं सर, मैं जॉब के साथ तैयारी किया हूँ, इतने सालों से टेक्निकल में लगा हुआ हूँ, लोग कहते हैं कैसे भाई टेक्निकल अभी तक छोड़ देना चाहिए, नौकरी मिल गई तब तक छोड़ ही देना चाहिए, मेरा पर्पज थोड़ा अलग है टेक्निकल से टच में रहने का। तो मैं ऐसे टेक्निकल में टच में रहता हूँ कि जब मेरे को लगता है यार अच्छा सब आता है, उठाओ टेस्ट, सर टेस्ट उठाए, बहुत सारी चीजें नहीं बनती हैं, डेफिनेटली आप कितना भी कर लें सब तो नहीं पढ़ लिए हैं ना, तो टेस्ट सीरीज से रिवीजन भी किया जा सकता है इस प्रकार।
और जो सवाल बने बन बन गए हैं उनका कैसे करना है वो तो मैं बता ही दिया। जो सवाल नहीं बने हैं उनको आपने कैसे सोचा था पेपर में सॉल्व करने का, और जब उसका दोबारा खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि तो टेस्ट में प्रेशर होता है, और बिना टेस्ट जब खुले बैठते हैं विदाउट प्रेशर होता है, तो हो सकता है आप सॉल्व कर ले जाए, तो आप ये देखिए कि कितना सोच पाए थे। जब आपको यही करना है, सोचने की एबिलिटी ही बढ़ाना है टेस्ट में, बाकी कुछ नहीं करना है। मार्क्स तो आप 80-90 ले आइए, 10 मार्क्स क्यों नहीं है उसके लिए सोचिए। जो 10 नंबर पाए हैं 90 मार्क्स, मतलब आपको टेस्ट एनालिसिस करने में 4 से 5 घंटा लग रहा है, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप सीखोगे तभी सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। कई लड़के सर मेरे को एक एक कवर करना चाहूंगा टेस्ट के लिए, मेरे को कहते हैं सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे मार्क्स पहले भी उतने आते थे अभी उतने आते थे। मैंने बोला अच्छा ये तो बताओ एनालिसिस कैसे करते हो, कहता सर मैं देख लेता था ऊपर ऊपर से। मैं बोला पता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सेम गलती आप कर रहे हो। मैं बोला आप वापस जाओ डेप्थ में एनालिसिस करो, और उसने बताया सर हाँ, जब मैंने उसको बोला एनालिसिस आप ऐसे करो, तो उसके मार्क्स बढ़ने लगे, ह्यूज नहीं बढ़े लेकिन 2 से 3 मार्क्स भी बढ़े, क्योंकि उसके मार्क्स ऑलरेडी 70 थे, तो मतलब टेस्ट थोड़ा टेस्ट सीरीज टफ भी बनती है। तो मतलब ऐसा है ना सर कि आपको कई बार ये भी लगेगा मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिविजन, विदाउट रिविजन नथिंग इज अचीवेबल, नथिंग इज पॉसिबल। आपको लगेगा यार बोर हो रहा हूँ तो रिविजन टेस्ट सीरीज से कर लीजिए, आपको लगेगा नहीं, मेरे को जल्दी खत्म करना है, शॉर्ट नोट्स है ना, आपको लगेगा अच्छा ये पॉइंट भूल रहा था, नोट्स है, आपको लगेगा यार क्या करूं, आजकल तो सर इतनी लाइव क्लासेस लाइव प्रैक्टिस ये हजारों चीजें चलती हैं, मतलब आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो किसी और तरीके से भी लग सकता है। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि गेट की प्रिपरेशन में आप ये जरूर ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज का इतना क्रिटिकल रोल है कि आपको वो ऊपर ले जा सकता है अगर आपने उसे अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। आपको टेम्परामेंट डेवलप करना है, बस आप इतना ध्यान रखिए, बाकी एक्यूरेसी आप अपने आप इंप्रूव करा ले जाएंगे। सर एक और लास्ट पॉइंट है, लोगों कईयों को कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो आप क्या करिए गेट प्रीवियस ईयर उठाइए, बहुत सारे कैलकुलेटिव सवाल आते हैं जहां पे खूब कैलकुलेशन हो, सिर्फ उतना सा पोर्शन वैल्यू रख रख के 1-1 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो उसमें आपका होगा क्या, जल्दी से जल्दी वैल्यू रखने में गलती होती है ना सर, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे सिर्फ उतने ही पोर्शन का, सोल्यूशन पोर्शन में जाइए, उस प्रीवियस ईयर के उस पोर्शन को देखिए जहां पे खूब कैलकुलेशन हो, उस पोर्शन को उठाइए और सिर्फ वैल्यू रखने का प्रैक्टिस करिए, इससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक इंप्रूव होगा। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया, पूछा कुछ और था कर कुछ और दिया, इसका मतलब अवेयरनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए आपका फोकस थोड़ा डीप हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसके लिए लोग कई कहते हैं मेडिटेशन करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन इसके लिए आपको जब इस तरह की गलतियां होती है ना, तो उन सवालों को फिर दोबारा प्रयास कीजिए, सॉल्व करिए, और जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो उसका पूरा दिमाग में ये होना चाहिए कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही सोल्यूशन छिपा है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और तीसरी जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है कि मैंने 2 को 1/2 लिख दिया, 3 को 1/4 लिख, 3/4 लिख दिया, कुछ भी कर दिया, यकीन मानिए ये प्रॉब्लम अपने आप, ऐसा नहीं कि अब 1/2 आया है और उसको 2 लिखेंगे, वो 1/2 को ही ऊपर प्रोसेस स्टेप में गलती हुई है, उस स्टेप को पकड़िए, आप 1/2 को मत देखिए, ये तो रिजल्ट है, बीच में जहां आपने मिस्टेक की है आप उसको देखिए। सर दिस इज ऑल अबाउट मी, मतलब कैसे मैं सॉल्व किया अपने स्ट्रेटजी को, कैसे यूटिलाइज किया, रिवीजन कैसे करना है, कहते हैं भूल जाते हैं, रिवीजन सभी को भूलता है, सब नॉर्मल ही है, मेरे भी नाम मार्क्स नहीं आते थे 2018 में जब मैं पहला टेस्ट दिया था, मेरे तो 25 में 4-4 5-5 नंबर भी आए हैं, बट उसके बाद मैंने सीखा कैसे वो करना है, सीखना है, और कॉन्सेप्ट प्लस उसका एप्लीकेशन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और प्लस टेस्ट सीरीज, यही आपको गेट में रैंक लाने में हेल्प करेगा। अदरवाइज आप सोचें कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लिया सर से, अरे बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, तो सर आपको समझ में तो आएगा ही, लेकिन आप सोच रहे हैं आप यार बस पढ़ लिया क्लास में समझ में आ गया, नोट्स पढ़ लिए वर्कबुक सॉल्व कर ली, यकीन मानिए प्रीवियस ईयर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस ईयर से आपको ये समझ में आता है गेट का टेम्परामेंट कैसा है, लेकिन टेस्ट सीरीज गेट से टफ क्वेश्चंस का टेम्परामेंट आपको डेवलप करता है, तो गेट का टेम्परामेंट आपको प्रीवियस ईयर से मिलता है, और गेट से टफ क्वेश्चंस का टेम्परामेंट आपको टेस्ट सीरीज से मिलता है, और ट्रिकी क्वेश्चंस का टेम्परामेंट आपको गेट और टेस्ट सीरीज दोनों से मिलता है, तो अल्टीमेटली आपको डरना नहीं है पेपर में, परफॉर्मेंस अपने आप आ जाएगी। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, यदि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो ये सब आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, समय लगती है चीजों में, लगता है चीजों में, लेकिन जब समय चीजें होना प्रारंभ होती हैं तो फिर आपको सब लगता है कि यस मैंने कुछ मेहनत की है और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। बाकी आई विल से ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स, एंड मे गॉड ब्लेस यू, और सब भगवान की कृपा है आपको सभी आगे जो आप चाहते हैं वो मिले। और यह मैं एक चीज और सर के बारे में कहना चाहता हूँ,
सर से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप तो जान गए होंगे सर को, बट कोई भी प्रॉब्लम, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ, आपको कुछ भी नहीं बताना है सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये लिटरली बता रहा हूँ कि उस समय सर बहुत बिजी भी रहते थे, आज तो है ही बच्चों से जुड़ गए हैं ऑनलाइन, बट उस समय सर नहीं भी जुड़े रहते थे, लेकिन तब भी कॉल उठाते, तब भी सर फोन उठाते थे, मैसेज करते थे, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट थे सर, है वो तो अभी भी है, बट मैं उस टाइम की बात करूँ, उस समय भी थे जब कोचिंग थी एकदम सर, क्लास से निकल रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, उसके बाद तब भी फोन नंबर था, व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए थे, एनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके सर के पास है, और जब गुरु सामने है तो मैं तो बस छोटा सा एक अंश ही हूँ सर से, जो ज्ञान के रूप में प्राप्त कर पाया हूँ सब्जेक्ट्स में, बाकी आप सर से जुड़े हैं तो आपको आगे अच्छे से करेंगे, एंड थैंक यू सर, ये मैं आपसे मिलूंगा भी, मेरी मिलने की भी काफी इच्छा है, मैं अभी तक मिल नहीं पाया आपसे, ये मैं यही कहूंगा कि ऐसा समय रहा, मेरा दुर्भाग्य ही है, लेकिन नहीं नहीं गुरु नहीं के रूप में सर हम हमेशा साथ मिलेंगे दे मिलेंगे, अभी जो है तुरंत मिलते हैं, ठीक है, मिल के हम जो है पूरा धूम मचाएंगे। रहे। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू एंड फॉर दिस थैंक यू सर, टन्स ऑफ सक्सेस। दूसरा बात हो रहा है कि थैंक यू तुम्हारा सर, जो, जैसे कुछ स्टूडेंट को ऐसे ना लगे कि इतना जब अचीव कर रहा तुम और क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने इंटरव्यू से पहले ही मैं बोल रहा था तुम इसके बाद और प्रिपरेशन नहीं करना है, शादी करना है, नहीं तो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है, यस ठीक सर, है थैंक यू सर, वही थैंक चीज़ यू। है। तो फिर पता चला कि नहीं, वो तुम सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये मैकेनिकल के टच ना चला जाए, मैकेनिकल का रिवीजन जो इतना किया, इतना मेहनत किया, वो ना चला जाए, इसलिए सिविल सर्विस में मैकेनिकल पेपर लेके कृष्णा चाहता है कि इसमें आगे बढ़े, तो इसलिए ये सब टेस्ट दे के टेस्ट दे रहा है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, कीट हो गया, इस सब का कारण ये है। अभी पहले तो जॉब के लिए ही दिया है, उसके बाद अभी का जो बात है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो नॉलेज गेन किया उसको प्रिजर्व करना, एंड उसके बाद आप क्या होगा, इसके बाद आपको सिर्फ जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसमें फोकस करना है, टेक्निकल पार्ट यू आर आई एम श्योर कि आपका बहुत अच्छा से हुआ है, एंड कभी भी कोई भी सिविल सर्विस का जो मेन्स पेपर होता है उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके लिए कोई जरूरत हो आई यस एम सर, ऑलवेज देयर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यस सर, मैकेनिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पार्ट जो है आपको बाकी जगह से करना है, बट मैकेनिकल वाला पार्ट के लिए आप टेंशन ना कर लिए, मंडल हमेशा है और हमेशा ये देते रहेंगे, ठीक है। और आई एम यस सो सर, हैप्पी कि तुमसे मिला। अच्छा मुझे एक सौ क्वेरी है कि मैंने, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन पढ़ाने में इतना टाइम लग जाता था, इतना बैचेस होता था कि मैंने सिर्फ सोम यस पढ़ाता था भोपाल में और नोएडा में, तो तुम कहाँ पे पढ़े थे, सर, कहाँ पे मैं सोम? सर सॉन्ग पढ़ा था भोपाल में। मैं सर अच्छा थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, आई एम पास आउट फ्रॉम एनआईटी भोपाल, मैं एनआईटी अच्छा भोपाल में थर्ड ईयर में भोपाल में कोचिंग किया था। मैं एक मजाक का इंसिडेंट सर के साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरी पहली क्लास थी और मैं सर का नाम तो था ही और है ही और रहेगा, क्योंकि सर जितना स्टूडेंट्स के लिए करते हैं मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, जब मैं भोपाल में पहली क्लास अटेंड कर रहा था तो बता था मंडल सर आ रहे हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बोला भाई जल्दी आ जा सर क्लास में आ गए, सर ने मुझे फोन से पकड़ चलाते देख लिया और सर ने बोला खड़े हो जाओ, मैं थोड़ा डर सा गया, 3 घंटे क्लास होती थी, सर ने बोला बाहर जाओ, तो उस दिन सर ने मुझे बाहर किया, इसलिए मैं आज इतनी सक्सेस प्राप्त कर पाया। सर ने मुझे ये सिखाया, जब आप क्लास में पढ़ने आए हो तो आपको फोन दूर रखना है, 2018 की 16 की बात है, तब तो फोन में इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे जितने आ जाए, लेकिन गुरु कि डांट में भी गुरु का ज्ञान ही छुपा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब ये एक मजाक का भी किस्सा था, मतलब मुझे याद है अभी भी, और उसी की वजह से फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं सर स्टॉम आपसे भोपाल में पढ़ा था अच्छा और मैं अच्छा आईआईटी अच्छा भोपाल का स्टूडेंट हूँ सर। ओ बहुत अच्छा, तो इसलिए कि देखो प्रोडक्ट ये हमने जो है, हमने स्टूडेंट को ये करता है कि दैट इज़ ड्यू टू कि मोबाइल, मोबाइल तो बिल्कुल मुझे मतलब जो अभी एक जुगाड़ बताऊँ, मोबाइल हमेशा आपका हाथ से दूर होना चाहिए, मतलब जितना दूर तक सही कह हाथ रहे हैं जा सर, हाथ जाता है उसके अंदर में मोबाइल यस नहीं होना सर, चाहिए, और मोबाइल हमेशा साइलेंट में होना चाहिए, उससे क्या होगा यस सर, कि जिसको बात करना है, जिसको कनेक्ट करना है, उसका तो नंबर हमें दिख ही जाता है ना, आप ऐसा यस तो नहीं सर, है कि आपको मोदी जी फोन कर रहा है कि आपको नहीं उठाया तो फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको कंप्लीटली एग्री सर, यस जो सर, भी फोन कर रहा है तो उसको अगर, उससे अगर बात करना है तो जिस टाइम मैं था, अगर 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद भी अगर आपने फोन देखा, ठीक है, आप टाइम लीजिए यस कि भाई सर, मैं 1 घंटे में पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे बाद मैं फोन देखूंगा,
तो फिर वो यस सर, फोन अगर आपके साथ रहता है वो हमेशा आपको डिस्टर्ब करता है। और फोन देखने से ही मुझे पहले ही होता था कि फोन तुम क्लास में क्यों, तुम फोन कर लेगा, आप तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मुझे क्या पता। ठीक है, मुझे देखा फोन यूज कर रहा है, यस तो श्योर सर। बंदा जो है हाँ गलत कर रहा है, तो फिर ठीक है भाई नहीं चलेगा। तो इसलिए ये चीज नहीं जो है, सही है ना सर, क्योंकि हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है बीच ना। में हम यस सर, क्योंकि बताओ बताओ बताओ। सर कई बार क्या होता है कि हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं। अच्छा फोन देख रहे हैं सर, बीच में ही चलाने लग गए, किसी का फोन मैसेज आ गया, देखने लग गए, तो हमें अनुशासन में रह के ही कुछ प्राप्त हो सकता है। ये भी सर से ही सीखा है, बहुत सारे टीचर्स एक ही बात हर टीचर कहते हैं, सर भी वही कहते हैं, लेकिन करना आपको है, ये आपको है। सर आपको इतना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आज के डेट में, तो उस समय तो सर के पास वो फ्रीडम नहीं थी, आज तो सर आपको हर लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपके पास सब कुछ है, बस आपको करना क्या है, आपको करना है सिर्फ स्टडी विद स्ट्रैटेजी। कभी मोटिवेशन की जरूरत होती थी, मैं जॉब में था, कई बार ये होता था यार मैकेनिकल पढ़ तो लिया, मैं सर को कॉल करता था, बोला सर ऐसा ऐसा है ये है, सर हमेज कि मतलब सर से बात करके ही आपको मोटिवेशन आ जाएगा, इवन सर की आवाज सुन के ही आपको मोटिवेशन आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी टीचर से आप जो भी पढ़ रहे हो, हमेशा सारे टीचर एक ही बात कहते हैं, सब कुछ आपको अपना 100% देने का ट्राई करते हैं, और सर तो हमेशा ही एक मतलब गुरु, इवन आप पिता सबकी तरह आपके साथ रहते हैं। तो आपको अब समझ जाना है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि आप किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। हाँ कई बार आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, वो चीजें हैं, अदर सोर्सेस हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको रैंक निकालना है, और रैंक आप निकालने में आपका सोर्स कैसा, क्या कैसे क्या हो रहा है, आपको सीखना है, आपको इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। और एक चीज सर लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा कि जब ऑनलाइन स्टडी करते हैं, मैं भी जब पढ़ता था तो मेंस के लिए जब प्रोडक्शन और रोबोटिक्स सर से पढ़ रहा था तो फोन से ही पढ़ता था। जब आप फोन से पढ़े हैं, आप अपना नोटिफिकेशन हर ऐप का ऑफ रखें, इवन कॉल का भी ऑफ रखें, सर की क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय दुनिया में कुछ नहीं जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने 3 घंटे दे रहे हैं और आप अपने समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए आपका कोई एग्जाम, आप मतलब आप खुद के लिए सीरियस ही नहीं है ना। हर ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, हर ऐप का, लैपटॉप में है तो लैपटॉप का, कोई भी साउंड फोन से नहीं आना चाहिए, फोन से साउंड सिर्फ यही आना चाहिए कि जुगाड़, मतलब सर जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ सर का साउंड आना चाहिए, फोन से अगर साउंड मैसेज सारी चीजों को नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। आपको बहुत वो हो रहा है कि यार मैं क्या करूं, फोन देखना है फोन देखना है, नहीं आप एक टाइम बना लीजिए जैसा सर कहते हैं, तो ऑनलाइन स्टडी में ये रखिए। मैं तो सर अपना कॉल का भी नोटिफिकेशन ऑफ रखता था, कॉल का भी नोटिफिकेशन मेरे में वेरी ऑफ गुड था, मेरे वेरी फोन में वो गुड। फीचर था, मैसेज का तो सारा है ही, कॉल का भी ऑफ था, इवन बहुत सारी चीजें थी। और वाईफाई है तो एयरप्लेन मोड में डाल लीजिए, फिर वाईफाई लगा के क्लास करिए, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो हम तो फोन में 5G ही था, वहां पे 4G आता था बहुत सारे, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और एक चीज को बार बार पढ़िए, ना कि बार बार चीज 1000 चीज को एक बार पढ़िए, ये सर भी कहते थे, एक चीज को बार बार पढ़ना है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही सोर्स को फॉलो कीजिए, उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट कीजिए, और स्किल्स डेवलप करिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की। कई बार आपको, कई बार सर एक और ऐड करूंगा, कई बार बच्चे ना साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, मैं दिल्ली में था, एक बच्चा मेरे को मैसेज करता था कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बोला भाई ये हो ही नहीं सकता, इसका सोल्यूशन तुम्हें इसरो देगा, बार्क देगा, पहले तुम उसको सॉल्व करो ना, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान नहीं है, नए बच्चों का ये होता है सर। तो आपका मेन उद्देश्य क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो ये गेट है, ये तो चैलेंज करता है, करके दिखाओ, 1 घंटे एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट। तो मैं यही कहूंगा सर कि मतलब बच्चों को इसी चीज का ध्यान रखना है कि डिस्ट्रेक्शन अवॉइड करना है, पढ़ाई में खूब प्रैक्टिस करना है, और सर की एक बात, 6 घंटे सोना है, 18 घंटे पढ़ाई करना है, आप मतलब नहीं, समझ रहे हैं, छह अभी घंटे अभी सोना है कम आप, हो गया, अभी कम हो गया, अभी 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना हो गया, क्योंकि अभी उतना कंपटीशन नहीं रहा तुम लोग की हाँ तरह। तब तो बहुत हाँ जॉब कम था तो ना, अभी आ अब गया, अभी स्टूडेंट हाँ कम हो हाँ गया, अब आ अभी गया है तो अभी इसलिए 8 घंटे पढ़ना है, आठ अब घंटे सोना हो गया। ठीक है, हाँ नाउ इट अब इज अगर 8 घंटे चेंज। पढ़ने हैं आज, हाँ तो उस समय तो ऐसा था कि सर उस समय ये नहीं कहते कि 18 घंटे पूरा पढ़ो, जब आप कहीं भी हैं तो दिमाग में आपके पढ़ाई चलते रहना चाहिए। अभी भी 8 घंटे सब कह रहे हैं पढ़ने का, इसका मतलब 8 घंटे फोकस से पढ़ना है, बाकी तो आपके दिमाग में चलता रहेगा। ये सर का आप ये मत सोचिए कि 8 घंटे एकदम कैसे भी पढ़ रहे हैं, फोकस मतलब जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में घुसना चाहिए, वो सर का मतलब वो है। तो बस सर यही कहना चाहूंगा, एंड थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू वेरी मच। हमारा जो है इसमें थोड़ा सा टाइम भी हमारा ख़त्म होने जा रहा है, 2 मिनट और बचा है हमारा जो है टाइम दिया था। ठीक है, जो ओके इसमें ओके सर इसका इसका जो जूम जूम वाले टाइम दिया था ना, तो उसमें सिर्फ 2 ही मिनट यस बचा सर है। बट आई एम सो अमेज्ड, सो हैप्पी कि तुमने आए हैं, हम मिलते हैं। वर्ल्ड इज़ टू स्मॉल, वी विल मीट अगेन अगेन, बट पहले तो हम मिलते हैं अभी 21st 22nd को। फिर यस सर और कुछ देखते हैं क्या क्या जुगाड़ किया जा सकता है। ठीक है, मिल के बात करते हैं। यस एंड सर थैंक यू वेरी मच, यस सर एंड विश यू यस सर ऑल थैंक यू द सो मच सर सक्सेस। और आगे बढ़ो, तरक्की करो, एंड हमेशा ध्यान रखिए कोई भी दिक्कत है, मंडल इज़ वन व्हाट्सएप मैसेज अवे। मंडल को बताओ, फिर हम मेरे तरफ यस से जो सर जुगाड़ यस सर दे से सॉल्यूशन दे सकता हूँ, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि सबको मिले। ठीक है, खुश रहो, बाय बाय, श्योर सर टेक केयर, यस खुश रहो, थैंक यू सर खुश थैंक यू सर खुश रहो, प्रणाम सर खुश रहो, प्रणाम खुश सर रहो। थैंक्स।